अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई लोग। वेलकम बैक टू अनदर कस्टम रूम वीडियो। तो देख रहे हो भाई लोग, क्या पता है आवाम, देखो भाई कितनी आवाम है, 45 जी। तो प्लेयर ज्वाइन कर रहे हैं रूम में, आज इरंगल लगाया है मैच। और ये रूम जो है वन ऑफ द बेस्ट कस्टम रूम है अभी तक का। तो लॉबी को करते हैं बाय बाय और मैच को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखते हैं प्लेन कहाँ जा रहा है। प्लेन भाई इस बार मैप के बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे है, यसनाया की तरफ, जहाँ पे हॉट ड्रॉप यहाँ पे बनेगा यसनाया स्वर्णी, और आगे मेल्टा पावर बन रहा है, स्कूल बन रहा है। तो मैं साइबर मोसिन को इसलिए यहाँ पे एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ क्योंकि ये स्वर्णी उतरते हैं, इनका मुझे आइडिया, ये लोग स्वर्णी में ज़रूर जाते हैं। मैंने लोकेशन ही एक किस्म की रिवील कर दी, अब शायद नेक्स्ट मैच से सारे इधर आ जाएं, लेकिन ये यहीं पे जाते हैं। इनके साथ डुओ आया वीआईपी, आई स्क्वाड नहीं है इनका, वीआईपी का डुओ आया, टीएमटी राव और वीआईपी शेरी। तो ये यहाँ पर उतरे हैं, आगे सब स्प्लिट हो रहे हैं, तो देखते हैं कहाँ पर फाइट होती है। अभी तो यहीं पर होगी, बिल्कुल एक साथ उतरे हैं साइबर स्क्वाड ने, यहाँ पर रेस्टोरेंट ले लिया, जो भी इसको कहते हैं, हम तो रेस्टोरेंट ही वही कहते हैं। तो वी आई पी वगैरह बिल्कुल इनके साथ ही उतरे हैं। वी आर पी शेरी को बायजन मिल गई है इस तरफ, और आई थिंक ये इनके नेट का इशू है, मेरा नेट भैया सही है जी। साइबर मोहसिन भाई यहाँ पे एक ही पकड़ के रश के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल भाई कोई वेट नहीं कर रहे, सीधा रश एक ही, और करना भी ऐसे ही चाहिए क्योंकि चांस लेना चाहिए शुरू में, क्योंकि एनिमी के पास अक्सर गन नहीं मिलती अगर उसकी लक ख़राब हो, और अगर आपकी ख़राब हो तो उसको दो दो मिल जाती हैं। यहाँ वेट करने का सोचा है। वीआईपी शेरी और राव जो हैं वो बैक साइड पे जाई जा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे स्क्वाड उतरा है, तो उन्होंने यहाँ पे एक कंपाउंड ले लिया। मोहसिन और तलहा गए हैं यहाँ पर, इनका एक और एडिशन हुआ है आज इनके स्क्वाड में, दुआ ने इनको ज्वाइन किया है, तो इनकी फाइट स्टार्ट हो जाएगी। ये मेरे पिंक का इशू आ रहा है, यहाँ पे साइबर मोसी ने रश का फैसला किया, सोलो ही जा रहे हैं, कोई कवर नहीं ले रहे भाई, बहुत लगता है गुस्से में है क्योंकि इनकी लास्ट टाइम तबीयत खराब थी, दो तीन इनके कस्टम रूम मिस हुए हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं ये। यहाँ पे टीएमटी राव का आई थिंक नेटवर्क इशू है। वीआईपी शहरी यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जाते हुए, साइबर मोहसिन ने आई थिंक वीआईपी शहरी को सपोर्ट कर लिया, यहाँ पे उसकी तरफ जाते हुए रश करते हुए, और बिल्कुल यहाँ पे ब्रोकन वॉल पे आ गए। वीआईपी शहरी ने इनको देख लिया, यहाँ पे नेड कुक करने लगे, लेकिन साथ ही इन्होंने स्प्रे देने का फैसला किया, और यहाँ पे मोहसिन ने भी स्प्रे दिया। मोहसिन यहाँ पे रश करते हैं, दुआ इनके साथ अपोजिट साइड से रश करते हुए, साइबर तलहा मुबशीर ने राव पे रश कर दिया, साइबर तलहा ने राव को डाउन कर दिया। यहाँ पे वीआईपी शहरी शेरी के पास मोहसिन, और ये मोहसिन ने इन ये डुओ यहाँ पे एलिमिनेट हो गया है, मोहसिन ने वीआईपी शेरी को किल फिनिश किया यहाँ पे। तो इस तरह पहली टीम यहाँ से इस कस्टम रूम से एलिमिनेट हो गई है, दूसरी तरफ फाइट स्टार्ट हो गई है। नवाब लूसीफर ने समार को नॉकआउट कर दिया, वीआईपी अशी ने भी, यहाँ पे फाइट शुरू हो गई इनकी, वीआईपी अशी और नवाब लूसीफर में नोवा में वीआईपी स्क्वाड और नवाब स्क्वाड की, यहाँ पे वीआईपी किंग को फिनिश करते हुए वीआईपी आशी ने नवाब लूसीफर को यहाँ पे डाउन कर दिया। नवाब रेकनर भी डाउन है यहाँ पे, तो वीआईपी इस वक्त एडवांटेज है इस स्क्वाड को फिनिश करने का। यहाँ पे एसजी स्क्वाड भी आज नोवो आया है, तो सारे आज थोड़ा अग्रेसिव खेल रहे हैं, लेट्स सी। यहाँ पे एसजी क्लैन ने रश करने का फैसला किया। वी आई पी सैम अपने हेल्थ को कंप्लीट करते हुए यहाँ पे, तो इस वीडियो पे यार कम से कम 20+ लाइक तो आने चाहिए क्योंकि आप लोग व्यूज़ ज़रूर करते हो, व्यूज़ आप हमारे 100+ होते हैं और लाइक कोई नहीं करता, तो भाई वीडियो देखते हो तो लाइक का बटन भी दबा दिया करो, बिल्कुल फ्री है, कोई इसमें पैसे नहीं लगते, ट्राई करके देख लेना। तो यहाँ पर इस्माइल ने मिस्टर टेंसन को नॉक कर दिया और फिनिश भी कर दिया। यहाँ पे यसनाया में ये स्क्वाड है, इस स्क्वाड का नाम
कोई भी नहीं है भाई, ये रेलुकट्टा स्क्वाड है ठीक है। अब जो नाम नहीं अपना स्क्वाड का भाई बताएगा मुझे, मैं उसको उल्टे सीधे नाम रखूँगा। तो ये है इस्माइल भाई का रेलुकट्टा स्क्वाड। यहाँ पे एक सोलो आया हुआ अली हसन, इनका स्क्वाड नहीं है तो भाई ने सोलो खेलने का फैसला किया, और जो कि ये अच्छा फैसला है भाई। सोलो आओ लेकिन अपने टीम को आगे लेके आओ, इंशाल्लाह आगे मेंबर ज़्यादा होंगे तो हम अपना पॉइंट टेबल का भी सारा कंप्लीट सीन लेके आएंगे। लेकिन उसके लिए भाई प्लेयर्स चाहिए, और प्लेयर्स आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी आज 50 हो गए हैं जो कि सबसे ज़्यादा थे अभी तक के कस्टम रूम के। और आपको भी ये नज़र भी आएगा कि मेंबर ज़्यादा होने की वजह से कस्टम रूम कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है। यहाँ पे एसजी स्क्वाड वेयर हाउस में है, एसजी की वीआईपी सैम को सपोर्ट करते हुए, और आई थिंक इनके किसी और मेंबर ने इनको स्प्रे दिया है। ये भाई पैन पकड़ के कह रहे हैं पैन से मारूंगा एसजी को। भाई जान एसजी है, काफ़ी कस्टम रूम जीत चुका, तो पैन से तो ये शुगल नहीं होगा आपका जी। शायद इसको मेरी आवाज़ चली गई, पीछे चला गया, और वहाँ पर बिल्कुल इनके पिछवाड़े पर नेड आया था। फिर ये कहते हैं भाई एसजी हैकर है, हैकर नहीं है भाई, स्किल्स भी होती हैं। तो अब एक बंदा दूसरी तरफ भाग रहा है तो जहरी बात है नेड थोड़ा आगे को फेंकेंगे। यहाँ पे K9 स्क्वाड और जेप स्क्वाड की फाइट होने लगी है नोवा के ओपोजिट ब्रिज के। यहाँ पे नेटिंग हो रही है, वीआईपी सैम यहाँ पे पीक लेके खड़े हुए हैं, और यहाँ पे उन्होंने पीछे जाने का फैसला किया। ये पूरा स्क्वाड एक तरफ आया हुआ है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है इनको दो को एक साइड पे, दो को एक साइड पे होना चाहिए, क्योंकि बैक से फ्लैंक हो सकता है, जो कि आई थिंक वीआईपी सैम करने की कोशिश कर रहे हैं। वीआईपी सैम यहाँ पे फ्लैंक करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे ट्रियो जो है वीआईपी का समार वगैरह वो दूसरी तरफ है। तो ये एक अच्छा वे है रश करने का, कि फ्लैंक से अक्सर बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि आपका पूरा ट्रियो यहाँ पर नोक हो जाए तो आखिरी बंदा भी लेके जा सकता है फ्लैंक करके, क्योंकि उसकी लोकेशन बिल्कुल रिवील है उसको भाई। फिर एनिमी स्क्वाड से गालियाँ भी बोर्ड पड़ती हैं टू बी ऑनेस्ट। वो फिर कहता है अरे भाई ये तो ये था, नूबड़ा था, ये वो था, और बाद में डैश 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 किंग ने भी आईपी सैम को डाउन कर दिया कि किंग ने, और रश करते हुए एस जी ने रश करने का फैसला किया, और एस जी इब्राहिम ने समर को यहाँ पे डाउन कर दिया। अब यहाँ पे वी आई पी आशी रह गया फाइनल वी आई पी स्क्वाड के, और यहाँ पे वो भी नेटवर्क इशू हुई, और यहाँ पे वो भी फिनिश हो गए। एस जी किंग यहाँ पे 2 किल उठाते हुए, आई थिंक 3 किल एस जी किंग के हैं, यूएस किंग के 2 किल हैं। तो यहाँ पे वी आई पी स्क्वाड एलिमिनेट हो गया इस क्लासिक मैच से, बहुत अच्छी फाइट यहाँ पे निकली है इनकी। और दूसरी तरफ यहाँ पे जेप स्क्वाड की फाइट होने लगी है, यहाँ पे मून एक्स ये भी अब जेप स्क्वाड का हिस्सा बन गए हैं। मून मानी मानी नहीं सॉरी ओगी नाम है इनका, मानी इनका रियल नेम है, ओगी इनका गेम नेम है, गेम आईडी। मिस्टर सैयद ये फ्रेंड है मेरे, तो इसलिए ये मेरे स्क्वाड में खेल रहे हैं, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड। ओके बहुत पुराना दोस्त है भाई ये, मैंने कहा जा भाई तू भी कुट खा ले। यहाँ पे नेटवर्क इशू है मेरा यार, नेटवर्क नहीं यहाँ पर ठीक होता, तो यहाँ पे इन्होंने रश करने का आई थिंक फैसला किया। K9 स्क्वाड को इन्होंने सपोर्ट कर लिया यहाँ पे जी बिल्कुल, और सारी मेल्टा में आई हुई है। यहाँ पे डेविल स्क्वाड भी है मेल्टा में, जो कि K9 पे ही आई थिंक दूसरा स्क्वाड है K9 डेविल, यहाँ पे इन्होंने रश कर दिया है। होगी उतरे यहाँ पर सैयद ने यहाँ पे आगे रश करने का फैसला किया, ब्रोकन वॉल दी और K9 को स्प्रे दिया, मलिक को स्प्रे दिया यहाँ पे इन्होंने। यहाँ पे पीक लेके खड़े हैं, पूरा स्क्वाड दूसरी तरफ पीक लेके खड़ा है। होगी यहाँ पे ब्रोकन वॉल पे सैयद के साथ, होगी ने यहाँ पे रश करने का फैसला किया। मिस्टर सैयद उनके पीछे उनको कवर देते हुए, यहाँ पे वीर फैजी और बर्डी हाउस ये भी स्नाइपर की तरफ आ रहे हैं, और इन्हीं की तरफ रश कर रहे हैं। तो यहाँ पे आई थिंक 3 स्क्वाड हो गए हैं और 4 हो गए, एक और स्क्वाड आ रहा है, तो सब यसनाया की सॉरी यसनाया नहीं मेल्टा की तरफ आ रहा है। अरे भाई नाम भूल जाता क्या करे बंदा, आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गया सैयद, सैयद ने फ्लैंक करने का फैसला किया, दूसरी तरफ से ब्रोकन वॉल पे आए। यहाँ पे K9 का पूरा स्क्वाड और K9 मलिक यहाँ पे जहरीला स्नेक है ना कुंडा बन के बैठ गए हैं। मून एक्स ने यहाँ पे K9 मलिक को नॉक कर दिया, बहुत अच्छा यहाँ पे
कवर देते हुए, दूसरी तरफ दोबारा साइबर स्क्वाड के साथ इन्होंने मिस्टर तो मैं यहाँ पे फाइट देखता हूँ। अली ने यहाँ पे नॉक किया, ओगी ने वीर फैली को नॉक किया करते हुए, और ओगी ने यहाँ पे आई थिंक लास्ट इनका बंदा था वो किल कर दिया। मून एक्स यहाँ पे डाउन हो गए हैं, और यहाँ पे सैयद मून को ओगी ने यहाँ पे बड़ी इसको किल फिनिश किया वीर फैली को, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा स्क्वाड फिनिश कर दिया। लेफ्ट स्क्वाड यहाँ पे एक स्क्वाड फिनिश करते हुए यहाँ पे दूसरी साइड से जो कि तीसरा स्क्वाड यहाँ पे आया था उन्होंने मिस्टर सैयद को यहाँ पे डाउन कर दिया, और मिस्टर सैयद काफ़ी जल्दी पीछे कवर में आ गए, और आई थिंक इनको रिवाइव मिल जाएगा यहाँ पे। ये SLG ये कोई और भाई, ये कोई न्यू ही डू आया हमारे कस्टम रूम में, तो इनका भी नेम नहीं है, तो यहाँ पे बहुत गंदा फ्लैंक किया इनके एक मेंबर ने, डुओ हुआ एक सामने और एक राइट साइड से फ्लैंक करके बैक पे आ गया बिल्कुल। यहाँ पे बहुत अच्छा कवर स्मोक का बनाते हुए सेव स्क्वाड, अली यहाँ पे पीक ले रहे हैं, और यहाँ पे भाई लूट चल रही है मज़े से, क्योंकि लूट का भाई कोई मजाक नहीं है, लूट तो भाई करनी है। यहाँ पे अली हसन साइबर के बिल्कुल पास है, सोलो खेल रहा है, दूसरी तरफ यसनाया में दो स्क्वाड है फिलहाल यहाँ पे भाई, बहुत अच्छी फाइट है। दूसरी तरफ ये एक और स्क्वाड यहाँ पे यसनाया में आ गया, इस स्क्वाड का भी कोई प्रॉपर नेम नहीं है भाई। यहाँ पे पिंग इशू A2 फेक और सालिम के नाम से ये मेंबर हैं इस स्क्वाड के, इन्होंने भी दूर से ही गाड़ी रोक दी यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल बैक पे आ गया ये डुओ का एक प्लेयर SLG जाहिद, बिल्कुल लेफ्ट स्क्वाड की बैक पे, और लेफ्ट स्क्वाड को भी इसका कोई आइडिया नहीं है, और जिस तरह लेफ्ट स्क्वाड बिल्कुल एक जगह पे आई है तो एक नेट से भी सारे जा सकते हैं। अली यहाँ पे पीक लेके बैठे हुए हैं, और बिल्कुल बैक पे यहाँ पे SLG पूरे लेफ्ट स्क्वाड की पीक लेके बैठे हैं भाई, बहुत डेंजर फ्लैंक है। यहाँ पे मिस्टर सैयद को आई थिंक ये स्पोर्ट हो गए हैं, जी मिस्टर सैयद ने यहाँ पे आई थिंक स्पोर्ट कर लिया, और ये मिस्टर सैयद नेड करते हुए यहाँ पे, और बिल्कुल यहाँ पे बहुत ओपी नेड यहाँ पे सैयद का, और यहाँ पे रश करते हुए सैयद भाई, तो फ्लैंक करके अगर इतना फ्लैंक करोगे तो भाई पकड़े जाओगे आप, और यही हुआ यहाँ पे, और यही हुआ मेरे साथ, नेट फिर चला गया, नेटवर्क इशू भाई ऐसे ही रहेगा। तो इस पर मिस्टर सैयद SLG को किल फिनिश करते हुए यहाँ पे भाई, ये भी स्नेक बन गए हैं बहुत यार, ये स्नेक ओपन में बन गए हैं बहुत ही गंदा किस्म का फेक। यहाँ पे वेयर हाउस लेके रुके हुए हैं मेल्टा में बिल्कुल, अब लेफ्ट स्क्वाड की एक और फाइट शुरू हो गया, तो यहाँ पे लेफ्ट स्क्वाड काफ़ी मुश्किल में, एक तरफ इनके सोलो है दूसरी तरफ स्क्वाड आ गया, टीम के 5 किल हो गए यहाँ पे लेफ्ट स्क्वाड के, काफ़ी अच्छा प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी भाई साइबर स्क्वाड के लिए उनको पूरा आई थिंक उन्होंने भी स्क्वाड फिनिश किया, लेकिन वहाँ की फ़ाइट मैं नहीं रिकॉर्ड कर सका। यहाँ पे वो हॉट ड्रॉप पे जा रहे हैं, सॉरी ड्रॉप पे जा रहे हैं, ये ब्रोकन वॉल पे पीक लेते हुए पीवीएन क्रॉस आई थिंक इनका यही नाम है, तो फेक बॉय यहाँ पे वेयर हाउस में पीक ले रहे हैं, उस तरफ A2 जो है वो बहुत जहरीला जहन स्नैक बन के बैठे हैं भाई, क्या बोल रहा हूँ मैं, अजीब भाई कुछ भी होगी भाई, दीवार के अंदर से घुसना जा रहे हैं दूसरी तरफ, यहाँ पे दूसरी तरफ फाइट शुरू हो गई है, K9 डेविल और साइबर तलहा यहाँ पे ड्रॉप से निकल के भाई सारी आवाम यसनाया में पहुँच गई है, बहुत K9 डेविल के दो स्क्वाड हैं यहाँ पे, जेफ स्क्वाड है बस, साइबर स्क्वाड नहीं है, और वो इस्माइल रेलुकटस वॉल जो है स्क्वाड जो है वो नहीं है, बाकी सब लोग भाई मेल्टा में आ गए आई थिंक इनकी कोई, यहाँ पे US किंग एक्सेस फाइट स्टार्ट हो गई है, SG किंग ने यहाँ पे फिनिश किया जालिम को, फेक यहाँ पे आते हुए SLG की तरफ फ्लैंक करके आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत गंदा है क्योंकि ओपन में जाते हैं पूरा स्क्वाड, यहाँ पे मैंने देते हुए फेक ने SG किंग को यहाँ पे डाउन कर दिया, यहाँ पे ले SG इब्राहिम यहाँ पे फेक बन गया, US किंग वहाँ पे कवर दे रहे हैं इनको, यहाँ पे दूसरे इनको कवर देते हुए, यहाँ पे लेफ्ट स्क्वाड किंग अपने उठा रहा है,
सॉरी किल चोरी कर रहा है। इब्राहिम ने यहाँ पे फेक बॉय को डाउन कर दिया। जालिम यहाँ पे हजी को नॉक फिनिश करते हुए, क्योंकि हजी स्क्वाड ऐसे भाई इनको चांस दोगे ये आपको कभी भी लेके जा सकता है, तो इनको नॉक फिनिश ही करता है जो भी आई थिंक। इनको कोई भी नॉक करता है डायरेक्ट फिनिश करता है। काफ़ी अच्छा स्क्वाड है ये, इनको के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। यहाँ पे इमरान पता नहीं क्या नाम है भाई का, आई एम रैंक आई थिंक इन्होंने लिखने की कोशिश की हुई है। तो इन्होंने फ्लैंक कर दिया है जेप स्क्वाड पे सेम एसएलजी की तरह। लेट्स सी ये कामयाब होते हैं किसी को नॉक फिनिश करने में। यहाँ पे बैक पे होगी कि यहाँ बिल्कुल मिस्टर सैयद अभी भी नेड कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा जो उनका वो मेंबर था डुओ में से एक जो सोलो रैंक वो किस तरफ आ गए हैं ब्रोकन वॉल से, तो ये अब इमरान के से बच गए हैं, कवर में आ गए। दूसरी तरफ यूएस स्क्वाड है, यहाँ पे ए टू जालिम का स्क्वाड, एस की स्क्वाड, एक और पीछे से आ रहा है भाई के नाइन स्क्वाड। तो भाई मेल्टा में भाई आज सही गोल हो रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छा स्प्रे यूएस किंग ने स्पोर्ट कर लिया, अच्छी ब्राइम ने के नाइन सैन को एस जी किंग ने किया, और यहाँ पूरा स्क्वाड इन्होंने उठा दिया। एस जी किंग एस जी स्क्वाड ने बहुत ओपी यहाँ पर स्प्रे दिया और पूरा स्क्वाड यहाँ पर गाड़ी से उतर गया, उतरने से पहले ही इन्होंने कंप्लीट फिनिश कर दिया। यहाँ पे सैयद को समझ नहीं लग रही क्या भाई मैं रश करूं कि ना करूं, तो ये ब्रोकन वॉल के इधर उधर नाच रहे हैं। और ये ऑल पे भाई माइक में कुछ बोल रहा है जो कि इनको ने कितनी बार वार्निंग दिया कि भाई ऑल पे ना बोला करो जब आप किल फिनिश हो जाता है तो माइक अपना बंद रखा करो, पर भाई आवाम नहीं सुनती। वो पता नहीं कौन थे अब ये यहाँ पे इमरान को भाई बिल आई एम रैंक वट एवर यार आई एम रैंक यहाँ पे फुल पीक लेके खड़े हैं। मिस्टर सैयद यहाँ पे ब्रोकन वॉल पे आ गए, इन्होंने आई थिंक जालिम को यहाँ पे सपोर्ट कर लिया। ओगी भी इनके साथ है, मून तो यहाँ पे बहुत अच्छा लेफ्ट आज प्ले कर रहे हैं ये, बिल्कुल एक साइड स्प्रे देते हुए ओगी मिस्टर जालिम को, और मिस्टर सैयद ने जालिम को यहाँ पे नॉक कर दिया क्योंकि साइड यहाँ पर। और आई एम रैंक को मिस्टर सैयद ने जालिम को और होगी आई एम रैंक को फिनिश कर दिया। यहाँ पे कोड हुआ जेफ स्क्वाड के 8 किल हो गए हैं, तो बहुत अच्छा जेफ स्क्वाड प्ले कर रहे हैं यहाँ पे। और आई थिंक जब से मैच शुरू हुआ है एक स्क्वाड के बाद जेफ स्क्वाड ने 3 यहाँ पे 2 डुओ और 1 स्क्वाड फिनिश किया, और इसी तरह 8 किल है इनके। काफ़ी अच्छा गेम प्ले आज जेफ का जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एडिशन हुआ एक्सपीरियंस प्लेयर हैं ये। आई थिंक सैयद जो है यहाँ पे काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, बाकी भी काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। ओगी एक अच्छा प्लेयर, मानी भी सॉरी मून अच्छा प्लेयर है। यहाँ पे एसजी मौत की फाइट हो गई है क्योंकि इनका ही स्क्वाड है, एसजी का सेकेंड स्क्वाड है, और यहाँ पे फिनिश करते हुए एसजी मौत। यहाँ पे रेलू कट्टा स्क्वाड के साथ हुई है भाई, यहाँ पे इस्माइल ने मेहर अब्दुल रा को नॉक कर दिया। मौत यहाँ पे अकेले रह गए हैं, और ये यहाँ पे गेम निकाल सकते हैं कि नहीं। 1 HP बहुत अच्छा नॉक किया रिफ्लेक्सेस, लेकिन आखिरी बंदा यहाँ पे एसजी मौत को ले गया है, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्राई था एसजी मौत की तरफ से, लेकिन ये डू अभी भी रहता था तो इसलिए एसजी मौत यहाँ पे फिनिश हो गए हैं। तो एक स्क्वाड बचा एसजी स्क्वाड का, यहाँ पे एक एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे यूएस किंग जो है वो ऊपर काफ़ी हाइट पे हैं मेल्टा में, लेकिन उनकी स्पोर्ट आई थिंक हो गए हैं या लेफ्ट स्क्वाड, और लेफ्ट स्क्वाड को भी वो स्पोर्ट हो गए हैं, तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज फाइट यहाँ पे हो सकती है। पीछे साइबर स्क्वाड आ रहा है और मेल्टा की तरफ ही आ रहा है आई थिंक, तो यहाँ पे आज लगता है मेल्टा में ही जोन एंड होगा। और काफ़ी अच्छे किल्स है यहाँ पे, 4 होगी के 3 सैयद के और 1 मून का किल है यहाँ पे। यहाँ पे साइबर स्क्वाड जोन के अपोजिट साइड पे जाते हैं, अली हसन यहाँ पे आ रहे हैं उन्हीं, तो अली हसन बिल्कुल साइबर स्क्वाड के आसपास ही घूम रहे हैं। यूएस किंग है यहाँ पे, एसजी किंग और यूएस किंग ये 2 प्लेयर्स हैं सेम नेम के, यहाँ पे स्प्रे देते हुए साइबर स्क्वाड को। ओगी को यहाँ पे डैमेज लगा है और एसजी किंग को भी यहाँ पे डैमेज लगा है, यहाँ पे स्प्रे देते हुए यूएस किंग को, काफ़ी अच्छा स्प्रे है। मून एक्स यार ये मैं पूछना चाहूँगा मुझे स्कोप ये ऐसे क्यों होता है, फर्स्ट टाइम मैंने देखा था किसी प्लेयर का तो मैंने कहा भाई ये हैकर है क्या हो रहा है, इसका स्कोप इधर उधर क्यों हिल रहा है। तो अगर किसी को पता है तो भाई वो कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे कि ये क्या सीन है भाई।
ग्लिच है या क्या है। यहाँ पर यूएस किंग भाई टॉप पे चढ़ गए हैं कंपाउंड के, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि भैया आप फुल हाइट पे नहीं हो तो ये काम करना बहुत डेंजर है। पीछे से आपको कोई भी इजीली आपके घुटनों पे ला सकता है। यहाँ पर सिंगल टैप पे अल्ची किंग यहाँ पे स्प्रे दे रहे हैं, और आई थिंक अली से अली को कनेक्ट भी हुआ है वो डैमेज हुआ अली को। यहाँ पे मून एक्स फोर एक्स स्प्रे दे रहे हैं, तो लॉन्ग फायर नहीं हो रही क्योंकि सब भाई यहाँ पर आई डेरा जमा है सब स्क्वाड्स का, और अभी तक का यहाँ पर विनर डेथ स्क्वाड है। काफ़ी स्क्वाड इन्होंने, दो डुओ एक स्क्वाड यहाँ पे इन्होंने फिनिश किया। पीछे रेलू कट्टा स्क्वाड आ रहा है वो ड्रॉप पे है मेंशन के पास। साइबर मोसिन यहाँ पे ड्रॉप पे ड्रॉप लूट रहे हैं, आई थिंक ये इनका थर्ड ड्रॉप है जो लूट रहे हैं। और अभी इन्होंने एक स्क्वाड एक टू और एक ट्रियो इन्होंने फिनिश किया आई थिंक जी। फाइव फाइव किल लाइन के एक डुओ एक ट्रियो इन्होंने फिनिश किया, जो कि रिकॉर्ड नहीं हो सका। यहाँ पे कार 98 से यूएस किंग जो है लॉन्ग रेंज में मिस्टर सैयद को स्प्रे देते हुए, सॉरी डैमी देते हुए। यहाँ पे सैयद इनके साथ खेल रहे हैं और यहाँ पे इनके डैमेज हुआ भी है, तो सैयद यहाँ पे डैमेज हुआ हील कर रहे हैं। साइबर वगैरह अपोजिट साइड पे आ गए हैं, मेल्टा के लेफ्ट साइड पे ड्रॉप पे आए हैं, और ये सैयद आई थिंक इनके साथ मस्ती कर रहे हैं जी, बिल्कुल भोला रिकॉर्ड वाली मस्ती कर रहे हैं। यहाँ पे अपने टिंड दिखा रहे हैं उसको, वो बोल्ट एक्शन से एक डैमेज देने की कोशिश करते हैं, और ये भाई फिर अंदर हो जाते हैं। ये भाई ऐसा ही है भाई, ये लड़का ऐसा ही है, इसको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये भाई दूसरे को एम फजूल में तो पाता है, लेकिन फिर इसको भी बहुत बुरी लगती है उसके बाद, फिर इसका भी मुँह बनता है। खैर छोड़ें, फिलहाल ये अच्छा खेल रहा है तो भाई की तारीफ बनती है, वेल प्लेड बॉय। तो एस जी इब्राहिम यहाँ पे डैमेज तो इन्होंने काफ़ी दिया, मिस्टर सैयद 1 HP रह गए थे। यहाँ पे अली हसन जो सोलो अभी तक खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए, एक इनके साथ प्लेयर थे लेकिन वो फिनिश हो गया था स्टार्ट में। साइबर तलहा मोहसिन के यहाँ पे 2 kills हैं, और ये आई डोंट नो क्या कर रहे हैं ब्रो, इधर बस घूम रहे हैं, कोई फाइट नहीं ले रहे आज, इनका मूड नहीं है। स्टार्ट में बस इनको जो डुओ और ट्रियो मिला था उसी की फाइट इन्होंने ली है, खुद कोई ट्राई नहीं कर रहे हैं। या फिर ये होट बस ड्रॉप पे इसलिए जा रहे हैं कि कोई प्लेयर मिले, लेकिन इनको आइडिया नहीं है कि सारे मेल्टा में आज डेरा जमा के बैठे हैं। यहाँ पे फिर ये यूएस पे निकलते हुए अली हसन जो इनके बिल्कुल पास है, अली हसन यहाँ पे इनको अली हसन ने सपोर्ट कर लिया लेकिन साइबर ने सपोर्ट नहीं किया, मे बी साइबर्स ने भी कर लिया जी, वो आगे जाके रुक लिए तो अली हसन यहाँ पे सपोर्ट हो गए हैं शायद। यहाँ पे रेलू कट्टा स्क्वाड की तरफ साइबर स्क्वाड एस यू सी मलिक नाम है इनका, यहाँ पे रेलू कट्टा स्क्वाड यूएस किंग वगैरह के स्क्वाड ने सपोर्ट कर लिया, तो वो ऊपर वाले स्क्वाड हाउस में, और यहाँ पे 2 squad हाउस है मेल्टा में। साइबर स्क्वाड यहाँ पे इस तरफ आ गया है विदाउट यूएस अपनी छोड़ के, और इन्होंने अली हसन को सपोर्ट कर लिया। यहाँ पे दुआ और साइबर मोसिन यहाँ पे रश कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, प्रॉपर सपोर्ट नहीं वाले, लेकिन इनको आई थिंक स्प्रे दिया, लेकिन यहाँ पे अली हसन तलहा स्प्रे, लेकिन यहाँ पे मोहसिन ने यहाँ पे किल उठा लिया है, तो मोहसिन को खूबसूरत अल्फाज में तलहा याद कर रहे होंगे, मैं 100% श्योर हूँ। तो यहाँ पे अली हसन एलिमिनेट हो गया है, तो भाई मेल्टा आज बहुत देरी ला रहा है, सारे स्क्वाड ने इधर रश किया, और जेफ स्क्वाड यहाँ पे मेल्टा के अंदर 1 squad और 2 duo को फिनिश करके बैठा है। यहाँ पर रेलू कट्टा स्क्वाड ऊपर वाले स्क्वाड हाउस में, जबकि एलची स्क्वाड जो है वो नीचे है। एलची स्क्वाड तो मैं इनको नहीं कहूँगा क्योंकि एक ही बंदा एलची का बहुत अच्छा यहाँ पे स्प्रे था, एलची किंग का यहाँ पे बहुत अच्छा स्प्रे था, सॉरी यह स्प्रे ही था, M4 का स्प्रे था। ओगी यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, तो ये यहाँ पे बस खड़े होके अब वेट कर रहे हैं किन पे रश हो, लेफ्ट स्क्वाड क्योंकि इन्होंने काफ़ी फाइट ली है आज, काफ़ी अच्छा इनका गेम प्ले रहा है। तो आज का मैच बहुत ही
इंटरेस्टिंग है और अभी आगे भी होगा, तो प्लीज़ भाई लाइक ज़रूर किया करें, हम लाइक नहीं करते। तो भाई जोन चला गया मेल्टा की तरफ, मेल्टा से बाहर हो गया ओपन में, ऊपर स्क्वाड था और मैं जोन चला गया। तो जेफ स्क्वाड के लिए अब थोड़ी मुश्किल है क्योंकि इनको जोन में आना पड़ेगा। स्क्वाड को अभी तक कोई इशू नहीं हुआ, इनको जोन का एडवांटेज ही रहा है, लेकिन अब इनको जोन में आना पड़ेगा। दूसरी तरफ से साइबर स्क्वाड को जोन में आना पड़ेगा, और पूरे जोन में सिर्फ दो स्क्वाड है उसे। तो भाई बहुत ओपी फाइट होने लगी है यहाँ पे, बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स सी कौन यहाँ पे इस कस्टम रूम का, जो कि वन ऑफ द बेस्ट है क्योंकि प्लेयर्स बहुत ज़्यादा आए हैं और काफ़ी अच्छी फायर निकली है फ्रॉम सेफ स्क्वाड जी। भाई मेरा स्क्वाड है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, सपोर्ट तो भाई मैं उन्हीं को करूँगा चाहे जैसे भी है। आज उनका बहुत अच्छा गेम प्ले रहा है। और यहाँ पे साइबर मोसिन, यहाँ पे यार इस बिल्डिंग को पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे कोई आइडिया नहीं है। जो भी है यहाँ पे साइबर तलहा और साइबर मोसिन ने यहाँ पे ओम पकड़ी हुई है। साइबर मोसिन के पास ओम है, एलची किंग यहाँ पे रेलुकटा स्क्वाड के साथ खेल रहे हैं, और साइबर मोसिन यहाँ पे एलची स्क्वाड को सपोर्ट करके बैठे हैं। ऊपर साइबर तलहा है, इस टाइम साइबर स्क्वाड और रेलुकट्टा स्क्वाड ये दोनों एलची के तरफ इनका ध्यान है, और ये एलची फुल टारगेट पे है इस वक्त दोनों स्क्वाड के। दूसरी तरफ जेफ स्क्वाड ने यहाँ पे फ्लैंक करके रश करने का फैसला किया है, आई थिंक एलची स्क्वाड पे। तो एलची स्क्वाड पे तीन स्क्वाड हैं इस तरफ, यहाँ पे स्प्रे देते हुए दुआ, यहाँ पे स्प्रे देते हुए, और एक आई थिंक इन्होंने नॉक कर दिया है। यहाँ पे मोसिन यहाँ पे सपोर्ट करते हुए एलची को, तो कोई सपोर्ट नहीं हुआ इनको। आई थिंक यहाँ पे लेफ्ट स्क्वाड यहाँ पे रश करते हुए रेलुकटा स्क्वाड पे, और इन्होंने मोली, और काफ़ी अच्छा इनका ये वे है, एक साथ ये मोली और नेड कर रहे हैं। तो नेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट नेड हुआ, यहाँ पे मोली से सैयद ने एक प्लेयर इनका नॉक कर दिया है, और यहाँ पे फिनिश भी हो गया वो। सैयद यहाँ पे बग्गी पीछे करते हुए और रश करने के लिए आगे जा रहे हैं। यहाँ पे मून ने नेड किया और दो नॉक, और बहुत अच्छा यहाँ पे बगैर किसी फाइट के यहाँ पे सेफ स्क्वाड ने रेलुकटा स्क्वाड को एलिमिनेट कर दिया स्क्वाड इसमें कस्टम रूम से। यहाँ पे साइबर मोसिन यहाँ पे किल करने की कोशिश में, या फिर जेब स्क्वाड पे अब इनका एम है, क्योंकि यहाँ पे रेलुकटा स्क्वाड तो एलिमिनेट हो गया। दो किल यहाँ पे फोन के आए, आई थिंक ओगी के आए, और सैयद के दो किल हुए। यहाँ पे साइबर मुबशिर यहाँ पे सपोर्ट करते हैं मिस्टर सैयद और ओगी को, स्प्रे नहीं दे रहे, आई डोंट नो क्यों नहीं दे रहे, यहाँ पे स्प्रे देना चाहिए था। साइबर मोसिन यहाँ पे ओम से शॉट दे रहे हैं, यहाँ पे मोसिन नोक निकालने के लिए ओम चला रहे हैं, जैसे और ये नोक निकला, यहाँ पे साइबर मोसिन ने अली को डाउन कर दिया है। और यहाँ पे साइबर तलहा और साइबर मोसिन रश कर रहे हैं जेफ स्क्वाड पे। सैयद जो है यहाँ पे मुबशिर को सपोर्ट करके स्प्रे दे रहे हैं नीचे, लेकिन मोसिन और तलहा ने रश कर दिया है, और यहाँ पे ओगी ने यहाँ पे जंप करके साइबर मोसिन को नॉक कर दिया, जहाँ के तलहा ने ओगी को नॉक कर दिया, और मून यहाँ पर साइबर को किल करते हुए, साइबर तलहा नॉक फिनिश, और मून भी फिनिश, सॉरी मोसिन भी फिनिश। तो यहाँ पे तलहा और मोसिन एलिमिनेट हो गए हैं, तू और मुबशिर यहाँ पे रह गए हैं। तो तीन टीम्स बची हैं, एलची साइबर और रोकी को नॉक करते हुए, दुआ ने एलची किंग को यहाँ पे नॉक कर दिया, सैयद ने दुआ को फिनिश कर दिया यहाँ पे, और एलची इब्राहिम ने अली को नॉक कर दिया। यहाँ पे साइबर स्क्वाड यहाँ पे फिनिश होते हुए, तो दो टीम रह गई हैं एलची और जेफ। बहुत ही अच्छा यार यहाँ पे फायर निकली है बहुत, और यहाँ पे एलची इब्राहिम जो है अली को फिनिश करते हुए और ओगी को फिनिश करते हुए। तो यहाँ पे मून और सैयद यहाँ पे रह गए हैं डुओ, और एलची का ट्री हुआ है। तो लेट्स सी क्या होता है, काफ़ी अच्छी यहाँ पे वन ऑफ द बेस्ट फाइट मैं कहूँगा इस कस्टम रूम में निकली है, और वन ऑफ द बेस्ट कस्टम रूम ये इसी वजह से रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी फाइट्स हुई हैं। 15 किल्स यहाँ पे जेफ स्क्वाड के हैं, जो कि टीम सबसे ज़्यादा हैं ओवरऑल में वन मैच में। यहाँ पे सैयद फिर से यूएस किंग को नॉक करते हुए, बहुत अच्छा गेम प्ले यहाँ पे, दोनों स्क्वाड्स यहाँ पर फुल अपने फॉर्म में लग गए। एलची तो हमेशा से ही फॉर्म में था, बहुत अच्छा नेड यहाँ पर, लेकिन डैमेज कोई नहीं हुआ। यहाँ पर किंग जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा चांस है वैसे सैयद के पास कि यहाँ पर जंप करके इनको नॉक फिनिश कर सकते हैं। यहाँ पर किंग को ये स्प्रे
प्रे दे रहे हैं मून और सैयद यहाँ पे। और यहाँ पे हरजीत किंग ने यहाँ पे नॉक कर दिया मून को, जो कि जैप स्क्वाड के लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। अब ये मैच जीतना, इस मैच को निकालना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे नेड कर रहे हैं किंग और यूएस किंग और हरजीत किंग यहाँ पे नेड कर रहे हैं। यहाँ पे मून और यहाँ पे सैयद को भी डैमेज हुआ, आई थिंक ये रिवाइव कर रहे हैं, जो कि मुझे नहीं लगता यहाँ पे करना चाहिए। और यहाँ पे मोली आई थिंक एक और नेड हुआ है और ये लास्ट नेड है एंड देन, तो यहाँ पे दोनों फिनिश हो गए। और इस तरह जेफ्री फाइट के बाद, काफ़ी अच्छे गेम के बाद सेकंड पे आया और एलजी स्क्वाड एक दफ़ा फिर विन हो गया है। एलजी इब्राहिम के 5 किले और किंग के 5 किले। तो ये था आज का कस्टम रूम। तो लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलना भाई, सपोर्ट चाहिए आप लोगों की। अल्लाह हाफिज़।